एक बार एक महात्मा जी ने एक व्यक्ति से सवाल किया कि क्या कागज में आग होती है। तो उस व्यक्ति ने हंसकर जवाब दिया कि अरे महात्मा जी, ये भी कोई सवाल है भाई, कागज में आग कहाँ होती है। तो महात्मा जी ने पुनर्विचार किया कि अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की तीली से छोटी सी आग देने पर आखिर उस कागज में से इतनी बड़ी आग कैसे निकल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति कुशवाहा और आज मैं फिर प्रस्तुत हूं आप सभी के सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है स्कूल में पढ़ रहे एक छोटे बच्चे की। एक दिन वो स्कूल से घर आता है और बहुत ही एक्साइटेड रहता है। अपनी माँ को एक लेटर देता है, कहता है, माँ मुझे ये लेटर मेरे स्कूल की मैम ने लिख करके दिया है, आप प्लीज मुझे जल्दी बताओ कि आखिर इसमें क्या लिखा है। तो उसकी माँ उस लेटर को देखती है, उसके बाद कहती है, बेटा जल्दी से खाना खा लो आप, तो मैं बताती हूँ कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा है। तो वो जल्दी जल्दी जाता है और खाना खाने के तुरंत बाद आता है और कहता है, माँ जल्दी बताओ मुझे आखिर उस लेटर में क्या लिखा है मैम ने। तो वह उसकी माँ उस लेटर को देखती हैं और देखती हैं और उसके बाद कहती हैं कि बेटा इसमें लिखा है कि मैम योर सन इज सो ब्रिलियंट, आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। ये बड़े बड़े सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता है और कई क्वेश्चंस ये ऐसे पूछ लेता है जिसके मतलब जवाब हमारे टीचर्स के पास भी नहीं होते हैं। और कई क्वेश्चंस को ये इतनी फास्ट कर देता है कि हमारे टीचर्स भी उसको इतनी तेज नहीं कर पाते हैं। वो लड़का ये सब सुन करके, ओ वाओ, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें, एकदम खुश हो जाता है अंदर से, एकदम एक्साइटेड कि वाओ मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम ने लिखा है, क्या बात है, मतलब मैं इतना ब्रिलियंट हूं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब जब स्कूल वाले आपको नहीं पढ़ा सकते, आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो कल से आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल से आप स्कूल नहीं जाएंगे आप, ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे और यही पढ़ाएंगे, ठीक। अगले दिन से माँ उसके स्कूल जाना बंद कर देती है और उसके बाद उसको घर पर ही पढ़ाने लगती है। और समय बीतता है, एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत ही बड़ा रिनाउंड साइंटिस्ट बन जाता है। उसके बाद एक दिन उसकी माँ का जब देहांत होता है तो वो घर आता है और माँ का क्रियाकर्म करने के बाद वो घर में रखे हुए एक ड्रॉवर को खोलता है, उसमें वही लेटर रखा रहता है जो उस समय उसकी मैम ने उसको दिया था। तो वो उस लेटर को निकालता है, उसको पढ़ते ही उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उस लड़के की आंख से आंसू छलक जाते हैं क्योंकि उस लेटर में ये लिखा रहता है कि मैम आपका बच्चा एकदम डफर है, इसको कितना भी समझाओ ये कुछ समझता ही नहीं है, पूरे स्कूल के टीचर इसको समझाते समझाते थक चुके हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इसको स्कूल मत भेजिए क्योंकि हम लोग पागल हो जाएंगे इसको पढ़ाते पढ़ाते। तो वो लड़का अपनी पेन निकालता है और नीचे लिखता है कि यस मैम, थॉमस एल्वा एडिसन इज अ डफर। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या उस दिन अगर उसकी माँ ने ये बता दिया होता, ये सच्चाई बता दी होती कि वो लड़का डफर है, तो क्या आज वो साइंटिस्ट बन पाता? नहीं बन पाता। उस दिन उसकी माँ ने उसको सच्चाई बताने के विपरीत ये बताया कि बेटा यू आर सो ब्रिलियंट, यू कैन डू एनीथिंग, और उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डाल दी कि बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू, यू कांट डू नहीं, यू कैन डू, तुम कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं जो अपना प्रयास करते रहते हैं, हिम्मत हारते रहते हैं, लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि हम उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डालते रहें, उस माचिस की तीली की तरह। कागज में आग नहीं होती लेकिन माचिस की एक छोटी सी तीली से छोटी सी आग देने से माचिस की वो जो कागज होता है, कागज में पूरी आग बूम से करके आती है। यहाँ पे सरपत में आग नहीं होती लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी सी तीली जलाते हैं, सरपत में बूम सी आग लग जाती है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं जिन्हें बस एक छोटी सी आग की जरूरत होती है। हाँ, तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ सबसे बड़ी बात, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।